सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में करने वाली हूँ कुछ मैं नया, और नया मैं ये करने वाली हूँ, मैं लेकर आई थी सरोजनगर से सस्ता सा मेकअप, और वो सब आपके साथ सामने में कर दिखाऊंगी मेकअप की कैसा होने वाला है। एंड गाइस, मैं पूरा ही झोला तो भरकर लेकर आ गई सरोजनगर से, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में। इतना सारा मेकअप का सामान आप देख ही सकते हो कैसा होगा, बाकी मैं यूज करके आपको दिखाऊंगी कैसा होगा। तो मैं स्टार्ट तो कर ही देती हूँ कैसा होगा, आपको मैं एक एक प्रोडक्ट यूज करके दिखाऊंगी पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जितना प्रोडक्ट लिया ना, मैं उतना ही यूज करूंगी। लाइक मतलब मैंने कुछ कुछ नहीं लिया तो मैं नहीं यूज करूंगी कि मतलब मैं उसमें अपना लगाकर दिखा दिया, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। जो मैंने लिया है मैं वही यूज करने वाली और वही आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा फेस कैसा लगने वाला है इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ली थी ये पॉन्ड्स की क्रीम ली थी, ये पता हो मुझे सिर्फ 50 रुपए में मिल गई थी। और वैसे मतलब अगर हम वैसे अगर मेडिकल स्टोर या किसी मतलब मेकअप कॉस्मेटिक की शॉप से ले तो मतलब शायद इसका प्राइस है 150 रुपए छोटी वाले का। तो पहले हम इस क्रीम को लगा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे फेस पे लगा लेते हैं क्योंकि स्किन ना बहुत ड्राई हुई भी है। थोड़ा हाथों पे भी लगा लूंगी मैं। पहले इसको थोड़ा ऐसे सब पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेना चाहिए। भाई मेरे ना हाथ भी बहुत ड्राई हो रहे थे, मैं इसे हाथ पे भी लगा रही हूँ और मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा भी निकाल ली थी, आप देख सकते हो। लेकिन इससे फेस पे लगाने से मुझे शाइनिंग तो आ रही है। खैर, पहले कितना ड्राई ड्राई सा मुंह दिख रहा था ना, अजीब सा, अब तो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा। मतलब ऐसा लग रहा था थोड़ा चमक सा रहा है। फेस वॉश मैंने पहले कर ही लिया था वीडियो शूट करने से पहले। मैंने लगा लिया अच्छे से। एंड गाइस, प्राइमर मैंने गाइस ये भी खरीदा, स्पॉन्जेस खरीदे थे। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 रुपए में पूरा पैकेट मिल गया था। इसके अंदर 3-4 प्रोडक्ट्स है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी जब मैं फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी। एंड गाइस, पीछे थोड़ा साउंड आ रहा है, इग्नोर करना थोड़ा। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको फाउंडेशन जो मैंने लिया था ब्लू हेवंस का। अब मैं इसको यूज करती हूँ, कैसा है बाद में दिखाती हूँ आपको। आपको रिजल्ट तो खैर दिख ही जाएगा। गाइस, निकलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लाइक मतलब ऐसे मिट्टी सी निकाल ली हूँ। देखते हैं भाई कैसा लगने वाला है। वैसे मैं हल्का हल्का यूज करने वाली हूँ, मैं ज्यादा लगा लूँ तो अलग सा ही चमकन चा। इसकी तो गाइस स्मेल भी बहुत अजीब सी है, आप पता ही कितना सारा रह गया। लाइक मतलब मैंने उंगली के हटाने के बाद भी तो फैले जा रहा है, बिल्कुल अजीब सा ही हो रहा है। अब मैं इसको ढंग से पूरा वो कर लेती हूँ ब्लेंड। जगह लगाने के बाद दूसरी जगह हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, इतना हैवी सा लग रहा है मेरे फेस पर। तो इसको लगाने के बाद ऐसा जस्ट बिल्कुल लगाते के साथ ही खुजली जैसा होने लगा है, इचिंग सी हो रही है। पर ठीक है, देख सकते हो। लेकिन मैं पहले मैंने जब बॉडी लोशन लगाया था कितनी अच्छी स्किन हो गई थी, अब कितनी अजीब सी हो गई है, चिपचिपी लग रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। और हाथ पे भी कितना सारा लग गया था, ये भी थोड़ा लगा ही लेती हूँ इधर उधर, वरना हाथ पे कपड़ों पे लग जाएगा। प्रोडक्ट जो मैं दिखाती हूँ, मैं लेकर आई थी कंसीलर, ये पता नहीं क्या है, M&M का कंसीलर है गाइस। इसमें 2 है, मतलब 2-in-1 है, इसमें ड्राई वाले भी और लिक्विड वाला भी है। तो मैं यूज करती हूँ, देखती हूँ कौन सा यूज करती हूँ। लिक्विड वाला ही यूज कर लेती हूँ, चलो दिखना तो चाहिए क्या लगा रहे हैं। गाइज, मैं सच बोलूं बता नहीं सकती आपको, मेरे को ना बड़ी खुजली हो रही है, मतलब इचिंग हो रही है मेरे फेस पे फाउंडेशन लगाने के बाद। मुझे तो मन कर रहा है अभी धो दूं, बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा है एकदम, जैसे मैंने क्या लगा लिया तो खुजासी हो रही है। कंसीलर मैंने लगा लिया है, अब हाइलाइटर लिया था ये वाला, देखते मार्स का असली है फेक है, यूज करने में क्या जा रहा है। ये तो थोड़ा बहुत मुझे ठीक भी लग रहा है,
गाइस इसके सारे प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है ना, ब्रश का तो यूज ही मत करो, बस लो हाथ से ऐसा से लगा लो, क्योंकि ब्रश वगैरह से सेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो मुझे तो हाथ से ही थोपना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये थोड़ा पिंक पिंक सा भी कर लेता है जब आया तो इसमें थोड़ा सा। वैसे तो शक्ल बड़ी गंदी लगने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप करने के बाद, बाकी देखते हैं। ज्यादा पिंक ना हो जाए पिंक पिंक के चक्कर में। एंड गाइस आप देख सकते हो, मैंने जो पीछे लिप्स दिख रही है मैंने अभी ही खरीदी है। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ये मैंने मीशो से ली थी, ये मेरे को एक और मंगवाना है, थोड़ा कम पड़ गया है। देखो गाइस ऐसा लग रहा है लाली लगा ली है मुंह पे। चलो ठीक है, जैसा भी है हाथ से ही सेट करना पड़ेगा, ब्रश वगैरह से सेट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। एंड गाइस मैंने ग्लिटर पैलेट भी लिया था, ये मुझे मिल गया था 150 रुपए में। इसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने सस्ते में मिल गया, और भी नहीं करती मैं कभी कभी इसको यूज कर सकती हूँ, लाइक हल्का हल्का लगा सकती हूँ आंखों पे ऊपर। तो आज मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको कैसा है। मैं आज यूज करने वाली हूँ इसका पर्पल कलर, ट्राई करने वाली हूँ ये वाला, हल्का हल्का लगाऊंगी मैं तो भाई। ये मुझे इससे मेकअप से बड़ा डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मुझे तो बहुत ही ज्यादा। देख सकते हो गाइस मैंने लगा लिया है, ठीक लग रहा है वैसे इतना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा वेस्ट, आंख थोड़ी चमक सी गई ऊपर से। दूसरा प्रोडक्ट लिया था मैंने काजल, ये मुझे 10 रुपए में मिल गया था। खैर शक्ल से ये लोकल सा लग रहा है, बट लगाने में क्या ही जाता है। गाइस आप देख सकते हो निकलने में ही इतना रो रहा है ना ये, मतलब आंखों में क्या करेगा फिर मेरे। चल भाई लग तो जा थोड़ा बहुत। देख सकते हो ये ऐसा लगा है, मतलब अच्छे से निकल नहीं रहा था, बट ठीक है लग गया। लेकिन गाइस मुझे ग्लिटर बहुत सुंदर लग रहा है पर्पल कलर का, ये मुझे ठीक लग रहा है। आप देख सकते हो फेस थोड़ा चेंज तो हो गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने थोप लिया अलग से, मतलब अच्छा लुक नहीं आ रहा है मुझे इस मेकअप से, मतलब मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने ली थी लिपस्टिक, अब खोलकर देख लेते हैं इसका कैसा कलर है। अब लगाने के बाद पता चलेगा कैसा है। ये शायद मुझे 30 रुपीज में मिल गई थी। देख सकते हो मेरा मुंह कुछ ऐसा लग रहा है, लिपस्टिक की शेड मुझे कुछ इतनी खास नहीं लग रही, मेरे फेस पे शायद सूट नहीं कर रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। लिया था मेकअप फिक्सर, ये ब्लैक सा देखो कैसा लगता है मुझे तो गाइस बिल्कुल ना। इस मैंने ओपन करके देखा था ना इसकी, पता कैसा लगता था, जैसे पानी नहीं भरते तो एल्कोहल जैसा सा लग रहा था। अब देख लेते हैं बाकी यूज करके कैसा लगता है। इसको लगाने के बाद ना पता मुझे कैसे फील आ रही है कि भाई किया करा है मेकअप भी मेरा निकल जाएगा। आप देख सकते हो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा कितना चिकना चिकना सा हो गया मुंह पे, मेरे मुंह पे क्या लग गया है। आप देख सकते हो कैसा मेकअप है पूरा, मतलब ऐसा लग रहा फटा फूटा सा। ये था सरोजनी नगर का मेकअप जो कि मैंने लिया था बहुत सस्ता 300 रुपए में, और देख सकते हो आप 300 रुपए का रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, और कुछ मिल भी नहीं सकता। आपको भी पता है 3000 के प्रोडक्ट्स में और 300 रुपए के प्रोडक्ट में कितना फर्क होता है। एंड गाइस मुझे तो ठीक लगा, मतलब जैसे कोई नहीं खरीद पाता महंगे महंगे प्रोडक्ट्स उनके लिए ठीक है मतलब खास, बट मुझे तो मेरे फेस पे देखो ऐसा लग रहा है क्या लगा लिया, बिल्कुल अलग ही चमक रहा है, मतलब बहुत ना इचिंग से हो रही है। लेकिन ठीक है मैंने आपको दिखा दिया इसके अंदर, बाकी मतलब प्रोडक्ट ठीक थे, इतने बेकार भी नहीं है। एंड गाइस और 300 रुपए में और क्या ही चाहिए, मतलब सरोजनी नगर में कपड़े तो मिलते ही मिलते सस्ते हैं, मेकअप भी इतना सस्ता मिलता है। गाइस मैं तो बहुत कुछ लेने वाली थी लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने कहा पहले इतना ही ट्राई कर लेती हूँ, पता चले भाई मैं पूरा बक्सा भर के ले आई मेकअप को, बाद में रिजल्ट मिल रहा है उसका 0, मेरे पैसे गए वेस्ट।
और मैंने 300 रुपए भी ना दिल पे पत्थर रख के खर्च करे थे कि भाई चल मेकअप में कर ही देती हूँ, अपनी वीडियो शूट भी कर लूंगी एंड अपने मतलब यूट्यूब फैमिली को भी इसका रिव्यू दे दूंगी सरोजनी के मेकअप का। सो मेरी तरफ से इसका रिव्यू 10 में से मैं तो इसको दूंगी ओनली 4। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, ठीक ठीक है, मतलब करने लायक ठीक है, आप कर सकते हो। वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम इतनी कंजूसी क्यों करते हो, वीडियो एंड तक मतलब वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लिपस्टिक ना बहुत अजीब लग रही है। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड गाइस आप भी ट्राई करना चाहते हो सरोजनी का मेकअप तो